हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसई ट्यूटोरियल्स। सो जेक्वेरी सीखने की इस सीरीज़ में ये आज की 5th वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास सेलेक्टर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आईडी सेलेक्टर्स के बारे में देखा था, ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक्वेरी में क्लास के द्वारा हम कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो जेक्वेरी में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था, और आईडी सेलेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर्स के बारे में। ओके, सो क्लास सेलेक्टर जेक्वेरी क्लास सेलेक्टर यूज क्लास एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल टैग टू सेलेक्ट एन एचटीएमएल एलिमेंट। सो जैसे HTML एलिमेंट है उसकी आईडी होती है, इसी तरीके से HTML एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट भी हो सकता है। हम हर एलिमेंट की, ऑलमोस्ट हर टैग का एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, और उस क्लास की सहायता से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट सिंबल, और हम कह सकते हैं पीरियड सिंबल ऑफ यूज किया जाता है क्लास के द्वारा एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा था कि आईडी के द्वारा सेलेक्ट करते हैं तो हम हैश सिंबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डॉट और हम कह सकते हैं पीरियड जो इसका सिंबल है उसको यूज किया जाता है। एलिमेंट क्लास शुड बी यूनिक टू फाइंड एंड यूनिक एलिमेंट। जैसे कि हमको पता था कि यूनिक एलिमेंट को हमें फाइंड करना है, तो हमें क्लास का नेम है जो यूनिक होना चाहिए, मोर देन वन क्लास के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्लास सेलेक्टर यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड बिहाइंड द सीन। सो एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसको बिहाइंड द सीन जेक्वेरी में ये यूज होता है क्लास सेलेक्टर्स के लिए। ओके, सो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं। ये हमारा लास्ट कोड था जिसमें हमने आईडी के द्वारा यहाँ पर एलिमेंट को सेलेक्ट किया था। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेट्स से जेक्वेरी ट्यूट 5, ठीक है। ये 5 नंबर का ट्यूटोरियल है, तो मैं इसको इस नाम से सेव कर लेता हूँ, और इसमें मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम इसको भी मैं यहाँ पे लेट से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी हमारे पास, एक बार मैं इसको एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ तक ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ना, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेडिंग और एक बटन हमने हमारे HTML पेज में यूज किया हुआ है, जो हमें यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने H2 हेडिंग है और बटन है, इनकी आईडी डिफाइन की है, ठीक है। बट अभी हम इनकी जो क्लास एट्रीब्यूट है उनको डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी एलिमेंट हैं टैग हैं उनकी हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे हमने बटन की क्लास BTN और H2 हेडिंग है उसकी क्लास हमने लेट से हेडिंग 2 डिफाइन की है, ठीक है। तो अब ये क्लास एट्रीब्यूट के द्वारा हम इनको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। सो जैसे हमने पहले किया था वही हम यहाँ पर अब करेंगे, document, ठीक है, रेडी, और फिर यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे एक, और फंक्शन में हम यहाँ पर लेट से हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ को, ठीक है, सॉरी हेडिंग को, जो कि है H2। अब यहाँ पर हमने देखा था कि आईडी से सेलेक्ट करते हैं तो हम हैश सिंबल का यूज करते हैं, लेकिन हम क्लास के द्वारा एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम डॉट या कह सकते हैं पीरियड सिंबल का यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्लास का नाम, डॉट क्लास का नाम, ठीक है। तो इससे जो हेडिंग 2 नाम का जो एलिमेंट है क्लास नाम का, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद डॉट क्लिक इवेंट लगाता हूँ यहाँ पर मैं, लेट से अगर ये क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर हमें हम चाहते हैं कि हेडिंग पे क्लिक करें, तो हेडिंग लेट से यहाँ पर हाइड हमने पहले किया था, तो अब की बार लेट से हम यहाँ पर
क्या करते हैं, फेड इन और फेड आउट यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे, तब हम वापस डिस्कस कर लेंगे। हाइड और शो क्या होता है, हाइडिंग को, एलिमेंट को हाइड और शो करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है फेड इन और फेड आउट, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हेडिंग टाइप पर, ठीक है। सो एक बार मैं इसको यहाँ पर सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फेड, मतलब कि धीरे धीरे ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। एकदम से हाइड नहीं होगा, ये धीरे धीरे फेड होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से ये हमने क्लास एट्रीब्यूट का नाम, क्लास के नेम के द्वारा हमने एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर बटन है उसको भी लेट से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसी को यहाँ पे एक बार कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो लेट से हमें बटन को सेलेक्ट करना है तो इसकी क्लास है btn, डॉट की सहायता से इसको यूज कर लेंगे। और डॉट क्लिक, अगर इसको क्लिक करना है तो हम इसका क्या करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लेट से हम चाहते हैं बटन क्लिक होता है तो हम यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज सिंपल प्रिंट करना चाहते हैं कि बटन क्लिक, ठीक है। सिंपल हमें चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है नहीं, इसलिए हमने सिंपल मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फेड इन वाला वर्क कर रहा है, और बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलर्ट मैसेज आता है बटन क्लिक, ठीक है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास का यूज करके हम एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लास सेलेक्टर्स, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं इसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।